हाई कोर्ट में और सलमान खान की ओर से वकील अमित देसाई की ओर से कोर्ट के सामने तमाम बातें रखी जा रही हैं। क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं, जाने के लिए सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करते हैं। एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक एक करके बताइए कि अमित देसाई की ओर से क्या क्या बातें अभी तक कोर्ट में रखी जा चुकी हैं। देखिए, करीब करीब पूरा वही डिफेंस जो कि सेशन में लड़ा गया था, वही डिफेंस पूरा का पूरा रख दिया गया है। मेरे साथ आशीष आएगा। आशीष, क्या कुछ ब्रेकिंग? अच्छा, ये हाई कोर्ट के ठीक बाहर सलमान खान का एक फैन है जिसने अभी तक ये कहा जा रहा है कि उसने जहर खा लिया है, उसको अभी पुलिस की गाड़ी में लाया जा रहा है। तमाम लोग वहां मौजूद हैं, वो बिल्कुल बेशुद्ध हो गया है और ठीक हाई कोर्ट के बाहर, वो हाई कोर्ट के ठीक सामने की सड़क है, वहां पर उसने जहर खाया है ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद उसे पुलिस की जीप में लाद कर हॉस्पिटल की ओर लेके जाया जा रहा है। जब मैं वहां मौके पर पहुंचा, वो पूरी तरह से बेसुध था और लोग उसे उठाकर पुलिस की वैन में लाद रहे थे। अब उसे पुलिस की गाड़ी में रख लिया गया है और वो थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। तो बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सलमान खान के एक फैन ने जहर खा लिया है, ऐसी खबर मिल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के ठीक बाहर सलमान के एक फैन ने जहर खा लिया है, उसे इस वक्त अस्पताल में ले जाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, सलमान के एक फैन ने ठीक बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर जहर खा लिया है, ऐसी खबरें मिल रही है और काफी अवस्था में उसे इस वक्त अस्पताल ले जाया जा रहा है। आशीष बता रहे हैं कि उन्होंने खुद देखा कि बिल्कुल बेसुध वो इस वक्त नजर आ रहा है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। आनंद फानंद में सलमान का एक फैन है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई इस मामले की चल रही है। सलमान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें जेल जाना होगा, ये तय होगा आज कोर्ट में। और ठीक बाहर एक फैन ने जहर खा लिया है, ये इस वक्त खबर मिल रही है। रवि, और क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है? पता नहीं। रवि के पास वापस लौटेंगे। हाईकोर्ट के बाहर एक शख्स ने जहर खाया है, सलमान का वो फैन बताया जा रहा है और उसे इस वक्त अस्पताल ले जाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट, अहम सुनवाई वहां चल रही है, लेकिन उसके ठीक बाहर एक शख्स ने जहर खा लिया है। आशीष हमें बता रहे हैं कि वो सलमान का फैन माना जा रहा है और आज जो अहम दिन है, बड़ा दिन है सलमान खान के लिए, अंदर सुनवाई चल रही है, बाहर उनके फैंस का मजमा लगा हुआ है। एक फैन के जहर खाने की खबर और उसे अभी ये देखिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। काफी बुरी उसकी अवस्था इस वक्त बताई जा रही है। फैन कोर्ट के बाहर, बॉम्बे हाई कोर्ट के ठीक बाहर बहुत से सलमान के फैंस इस वक्त डटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से कोई अच्छी खबर आए, लेकिन उससे ठीक पहले ही एक फैन ने जहर खा लिया है, ऐसी खबर वहां से मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, आनंद फानंद में इस शख्स को अस्पताल ले जाया जा रहा है। एक तरफ बड़ा सवाल कि सलमान का आज क्या होगा और दूसरी तरफ कोर्ट के ठीक बाहर एक फैन ने जहर खा लिया, ऐसी खबर मिल रही है। ये देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें एक बोतल नजर आ रही है। इस वक्त पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई जहर खाया गया है, क्योंकि काफी बुरी अवस्था में इस फैन को आशीष बता रहे हैं कि अब अस्पताल ले जाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई और कोर्ट के ठीक बाहर एक फैन के जहर खाने की खबर। परसों भी हमने देखा था कि जब सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सलमान के फैंस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे, ना सिर्फ कोर्ट के बाहर मौजूद थे। ये देखिए तस्वीरें इस फैन की, से पुलिस की गाड़ी में रखकर और अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है इसकी अवस्था काफी बुरी थी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। एक बोतल भी नजर आ रही है इन तस्वीरों में, हो सकता है इसी बोतल में वो जहर हो जो कि सैनिक खा। सीधे रवि के पास चलते हैं। रवि, क्या हुआ वहां पर? हमारे पास लेटर है यार। देखिए, जो जिस शख्स ने जहर खाया था उसके पास से एक लेटर मिला है, वो लेटर इस वक्त हमारे पास मौजूद है और इस लेटर में लिखा हुआ है कि इस शख्स का नाम गुरुंगू कुंडू है और ये इसने एक फोटो यहाँ पर लगाया हुआ है जिसमें सलमान खान के पैरों में ये शख्स आप देख सकते हैं, ये पैर छू रहे सलमान खान के, यही वो शख्स है कथित तौर पर जिसने की अभी सुसाइड करने की कथित तौर पर कोशिश की है, जिसने की जहर खाया है जिसने, ऐसा अभी तक कथित तौर पर हमें बताया जा रहा है और पुलिस उसको लेकर गई है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए। बेहोश हो गया था ये शख्स और ये एक लेटर बाकायदा टाइप कराकर उसने अपने साथ लेकर आया था। इसमें उसने लिखा है ये हिंदी में जी, मेरी तरफ से पूरे इंडिया को नमस्कार, हमारी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री मिस्टर
देवेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सब जानते हैं गरीब के अंदर कितने भी टैलेंट हो, गरीब उसे मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता है। मैं अब बहुत गरीब लड़का का घर का लड़का हूं और अनंत भी हूं। मैं जब 8 साल का था तो मेरी माँ ने कलकत्ता आके अनजान शहर में मेरी माँ के चली गई। आज तक मेरी माँ वापस नहीं आई। और आखिरी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा है कि मेरी एक वाइफ है और मेरी मांग यह है कि सलमान जी को रिहा किया जाए। तो सलमान के बारे में भी इसने लिखा है कि मैं सलमान जी के घर पर एक के बाद एक खूबसूरत कहानी भेज रहा हूं। मैं सलमान जी को भगवान का दर्जा देता हूं और उनके परिवार को देवी देवता की तरह दर्जा देता हूं, और मैं अपने आप को उसी परिवार का सदस्य समझता हूं। भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सलमान जी सजा दिया है उनको सजा को नहीं, उन्हें सजा नहीं दिया जाए। और हम गरीबों का सहारा है, वो हमारा सपना है, उन्हें सजा नहीं दिया जाए, वो हमेशा गरीबों के मसीहा बने रहे। तो साफ साफ इस लेटर में लिखा हुआ है, ये वो लेटर है जो एक तरह से आखिरी नोट, सुसाइड नोट कहा जा सकता है, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ हालांकि अभी तक। और ये लेटर एक्सक्लूसिवली आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। हुआ क्या वहां पर, अचानक ये फैन वहां पर आया या पहले से सुबह से वो वहां पर बना हुआ था, क्या हुआ है तफसील से बताइए। मैं इस शख्स को पहचान पा रहा हूं, ट्रायल के दौरान भी मैंने सेशन कोर्ट के बाहर जिस दिन फैसला आना था मैंने इस शख्स को देखा था। ये शख्स यहां पर पिछले 1 घंटे से घूम रहा था, हमसे इसकी बात भी हुई थी, और ये शख्स कल सलमान के घर के बाहर भी मुझे दिखाई दिया था और हमसे बात भी इसने काफी देर की थी। काफी परेशान लग रहा था, लेकिन क्योंकि यहां पर हजारों फैंस से हम लगातार मिल रहे हैं और सभी इस तरह की बातें कर रहे थे, तो ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। ये आशंका बड़ी ही मुश्किल थी कि ये सचमुच ऐसा कर लेगा, लेकिन सच यही है अब कि उसने जहर खाने की कोशिश की थी, जहर खाया है, वो बेसुध हो गया था और पुलिस फिलहाल उसको ले जाकर अपने साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर गई है। रवि, जिस दिन सलमान को सेंटेंसिंग हुई थी उस दिन ये व्यक्ति मेरे साथ मौजूद था, इसने बकायदा गले में एक लॉकेट पहनी हुई थी और उस लॉकेट में सलमान के साथ इसी पोज में वो लड़का था और ठीक यही फोटो उसके यहाँ पर लटक रही थी। मैंने उससे पूछा भी था क्या तुम सलमान के इतने बड़े फैन हो, तो उसने कहा मैं सलमान को भगवान की तरह चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि सलमान को जेल जाना पड़े। जब सलमान को उस दिन इंट्रीम बेल मिली उसके बाद भी ये लड़का मुझसे मिला, वो 7 बजे तक कोर्ट रूम में मौजूद था, उसके बाद भी मुझसे मिला और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। कल भी वो रवि सलमान के घर के बिल्कुल जब हम कल सलमान के घर के बाहर थे तब भी वो वहां मौजूद था और आज यहां पर वो आया। जो अभी तक हमें चिट्ठी मिली है, सारे लोगों को चिट्ठी मिली है कि वो उसने जहर खाया और उसने लास्ट लाइन यही कही कि सलमान खान को जमानत मिलनी चाहिए। जी रवि, तो फैंस का ये जज्बा आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भयानक घटना यहाँ पर घट गई है। एक शख्स ने सलमान खान का फैंस बताया था जिसने अपने आप को, उसने जहर खा लिया है और पुलिस उसको फिलहाल लेकर गई है मेडिकल अटेंशन के लिए। उसकी हालत खराब थी, हमने खुद देखा था कि वो बेहोश हो गया था करीब करीब, और उसको बेसुध हालत में उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाला गया और उसके बाद उसको ले जाया गया। इसे सुसाइड अटेम्प्ट कहा जाएगा। वो लेटर कई अब यहाँ पर हमसे कोई ले गए हैं, यहाँ पर जो बाकी लोग थे वो पुलिस तक पहुंचेगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनेगा। लेकिन एक सनसनीखेज घटना यहाँ पर घट गई है, शायद सलमान को भी इस घटना से बहुत दुख हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक फैन ने जहर खा लिया है बॉम्बे हाईकोर्ट के ठीक बाहर, और हमारे दोनों संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार ये सेशंस कोर्ट पर भी मौजूद था, कल सलमान के घर के बाहर भी मौजूद था। एक चिट्ठी इसके पास से मिली है जिसमें सलमान के साथ उसकी एक फोटो है, वो सलमान के पैर छू रहा है और इस चिट्ठी में आखिरी लाइन में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि सलमान खान को रिहा कर दिया जाए क्योंकि मेरे लिए भगवान स्वरूप है वो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंदर बहुत अहम सुनवाई चल रही है सलमान के मामले में, जो उनकी जमानत याचिका है उस पर बहुत अहम सुनवाई चल रही है। इस वक्त वरिष्ठ वकील के मनन साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मनन साहब, सलमान के वकील अमित देसाई की ओर से कोर्ट में दलीलें इस वक्त पेश की जा रही हैं और हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कमोबेश वही दलीलें हैं जो कि सेशंस कोर्ट में भी पेश की गई थी। कुल मिलाकर आज कोर्ट में जो सलमान की जमानत याचिका के लिए दलीलें दी गई हैं, दो अहम एंगल्स हैं इसके। एक तो ये वही दलीलें हैं जिन पर कन्विक्शन भी हो गया था, जो मानी नहीं गई थी कोर्ट की ओर से। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सलमान खान के वकील की ओर से कि जो ट्रायल हुआ वो ठीक तरह से नहीं हुआ और इन आधारों पर सलमान के लिए बेल मांगी जा रही है। ये बिल्कुल सही लाइन पर बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू हो रही है, क्योंकि उसमें जो अमित देसाई सीनियर एडवोकेट है वो इस बात पे आर्ग्यू कर रही हैं कि 304 पार्ट 2 का केस नहीं बनता है
और मेरा मानना भी है कि नहीं बनता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 304 पार्ट 2 में केस बनाकर नीचे आदेश दिया था कि ट्रायल 304 पार्ट 2 में होना चाहिए, वो इस आधार पर था कि जो कांस्टेबल इनकी गाड़ी में थे उनका बयान 164 सीआरपीसी तहत के में लिखा गया था, और वो अब कांस्टेबल की डेथ हो गई है, चूंकि वो एग्जामिनेशन चीफ तो हुआ उनका लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रखा है, इसलिए उनका चीफ अब सलमान खान जी के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए 304 पार्ट 2 नहीं बनती है, 304 ए बनती है जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस 2 साल है। अगर 5 से 2 साल की स्थिति देखी जाएगी तो बेल आसान हो जाएगी। मनन साहब ये समझाइए हमें कि जिन दलीलों के आधार पर सेशंस कोर्ट में इस मामले को लड़ा गया, उस मामले में उनका कन्विक्शन हुआ, क्या ये उसके अगेंस्ट जा सकता है या फिर बेल तो ऑलरेडी मिली हुई है सलमान खान को, एक्सटेंशन चाहते हैं, ये आसान रहेगा उनके वकीलों के लिए? वो बेल वो आज तक है, चूंकि बेल वो टेक्निकल ग्राउंड पर दी गई थी, चूंकि उनको जजमेंट की कॉपी इमीडिएटली जो सप्लाई होनी होती है और सीआरपीसी के इस तहत होनी चाहिए कि इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जजमेंट की कॉपी कन्विक्ट को दी जाएगी, जो तैयार नहीं थी, तो टेक्निकल ग्राउंड पर आज तक उनकी बेल है। एक्चुअल बेल की सुनवाई जो अपील में हो रही है, अपील ऑलरेडी एडमिट हो गई है, चूंकि अपील एडमिट होनी ही थी क्योंकि ये फर्स्ट अपील थी हाई कोर्ट में, ये उनका राइट था कि एडमिट होती। और दूसरा अब सवाल है बेल का, 5 साल की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तो है नहीं, 10 साल से ऊपर नहीं है, 7 साल से ऊपर नहीं है, तो इसलिए 5 साल की अगर सजा है, आपको याद होगा 5 साल की सजा सलमान संजय दत्त को भी थी, लेकिन एक ये एग्जाम्पल है और ना जाने कितनी एग्जाम्पल्स हैं। बेल इस केस में हो जानी चाहिए, अगर ये तर्क अभी फॉर द टाइम बीइंग इस समय जो जज बहस सुन रहे हैं अगर वो मान लेते हैं कि यस उनके जहन में या उनका जुडिशियल माइंड ये कह रहा है कि 304 पार्ट 2 नहीं बनती है जिसमें सजा 5 साल है, ये 304 ए का केस हो सकता है, तो इस आधार पर एक ग्राउंड बनती है कि उनकी बेल रेगुलर कर दी जाए। बिल्कुल मनन साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील। जी मनन साहब, ये भी जानना चाहेंगे, एक बार रवि का रुख कर लेते हैं, रवि कुछ कह रहे हैं, रवि क्या हो रहा है वहां पर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमित देसाई जो कि डिफेंस के लॉयर थे, उन्होंने अपनी जो बहस चल रही थी उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था वो खत्म हो गई है। अब जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी बहस शुरू करेगा। ये प्रोसीजर क्या है आशीष बहुत बेहतर जानते हैं, आशीष मुझे बताइए अब आगे क्या होगा? देखिए डिफेंस ने अपनी जीरा पूरी कर ली, डिफेंस ने लास्ट में ये कहा कि अशोक सिंह जिनको चौथा गवाह बनाया गया था उसको पुलिस ने कंसीडर करने की जरूरत नहीं समझी, इनफैक्ट जब कोर्ट में उसे लाया गया तो कोर्ट ने भी उसे इनकार कर दिया, कोर्ट ने भी उसे ज्यादा वैल्यू नहीं दी। तो इन तमाम बातों के साथ इसके अलावा 2-3 जजमेंट साइट किए गए जिसमें परेरा का जजमेंट था, तो इन सारे जजमेंट के साइट करने के बाद सलमान खान की तरफ से आर्गुमेंट कंप्लीट हो गई है और अब डिफेंस यानी अभियोजन पक्ष इस पूरे मामले में जो सस्पेंशन की उन्होंने बात कही है कि जो निचली अदालत ने सलमान खान को सजा सुनाई थी उस पर रोक लगाई जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, अब उस पर अभियोजन पक्ष बहस की शुरुआत कर रहा है और इसमें मोटे तौर पर वही सब बातें रखी जाएंगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कि फैसले में जो कि जजमेंट में जज साहब ने लिखी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का ये काम होता है कि वो स्टैंड बाय करे उस फैसले को जो निचली अदालत ने दिया है, वो उसको सही ठहराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जज साहब अपना। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सलमान के वकीलों की ओर से अपनी दलीलें पेश की जा चुकी हैं और अब जो सरकारी वकील है प्रोसिक्यूशन है उसकी ओर से इन्हें काउंटर किया जाएगा या अपनी दलीलें पेश की जाएंगी, ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। के मनन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मनन साहब ये बताइए कि जो सलमान के वकील अमित देसाई की ओर से एक बात कोर्ट में कही गई है वो ये थी कि जो तमाम गवाह थे इस मामले में उसमें से इकलौता गवाह रविंद्र पाटिल था जिसने सलमान के खिलाफ इस मामले में गवाही दी थी, रविंद्र पाटिल की अब मौत हो चुकी है और ऐसे में सलमान किसी भी गवाह पर अब दबाव नहीं बना सकते हैं, क्या ये तर्क काम आ सकता है? देखिए ये तर्क इतना मजबूत है सलमान खान की तरफ से, वो जो पाटिल गवाह थे इस केस के वो आई विटनेस बताते थे अपने आप को, वो उनकी गाड़ी में ही थे, शायद उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो, लेकिन उनका एग्जामिनेशन इन चीफ तो कोर्ट में हुआ है लेकिन क्रॉस नहीं हुआ, अगर क्रॉस नहीं हुआ तो उनकी गवाही नहीं पड़ी जा सकती सलमान खान के खिलाफ, इसलिए ये बेनिफिट सलमान खान को जाता है।
बिल्कुल। इसके अलावा अब मनन साहब ये भी अमित देसाई की ओर से कहा गया कि रविंद्र पाटिल की मौत हो गई, जो दूसरे गवाह या जो दूसरा शख्स गाड़ी में मौजूद था वो कमाल खान थे, कमाल खान से इंटेरोगेशन नहीं हुआ है इस मामले में। इसके अलावा अशोक सिंह, वो ड्राइवर जिसने क्लेम किया कि गाड़ी मैं चला रहा था, उससे कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, कि ये बात भी फेवर में जा सकती है सलमान के? अगर क्रॉस एग्जामिनेशन अशोक जो ड्राइवर पेश हुआ इन डिफेंस, अगर उनको ये बात नहीं दलील दी, सजेशन नहीं है कि तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे, आफ्टर थॉट आए हो, सलमान की मदद करने के लिए आए हो, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन उनका नहीं हुआ है तो उनका एग्जामिनेशन चीफ अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन पढ़ा जाएगा, फिर तो बातें खत्म हो जाती है। यानी कि आपको लगता है कि जो तमाम दलीलें अमित देसाई की ओर से पेश की गई हैं, इसका फायदा मिल सकता है सलमान को? डेफिनेटली। ऋषि, आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो तमाम दलीलें जिनका हम अभी हम जिक्र कर रहे थे, इन तमाम दलीलों में के मनन साहब का कहना है कि इसका फायदा मिल सकता है, और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी गवाह पर अब सलमान दबाव नहीं बना सकते हैं, ये क्या एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा जो कि डिफेंस की ओर से रखा गया होगा? टेक्निकल बात है, जो एक प्रमुख आई विटनेस था वो बिफोर क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी डेथ होगी। लॉ ये कहता है कि एक एविडेंस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जब तक चीफ और जब तक उसकी क्रॉस ना हो वो एविडेंस एडमिसिबल में नहीं ली जा सकती। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर विटनेस बेशक इन चीफ बोल के इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई अथॉरिटीज में बात बोली हुई है कि ऐसे एविडेंस यूज हो सकती है सब्जेक्ट टू सम अदर कॉरोबोरेशन, यानी कि और अदर अगर तथ्य हों। लेकिन जो नॉर्मल रूल ऑफ एविडेंस है कि एक एविडेंस हम वो मानते हैं जब चीफ होती है और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सलमान खान के केस के अंदर वो विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाई। दैट मीन्स ये केस जो है एक आदमी के सिर्फ चीफ एविडेंस के उसके बयान पे चले आ रहा है और साथ में कोई कॉरोबोरेशन नहीं है जो वो एविडेंस को कॉरोबोरेट कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये लीगली स्पीकिंग ये केस एक बहुत अच्छा है डिफेंस के लिए इस एविडेंस को तोड़ने का। और जहां तक ये बात है किसी विटनेस के पास इन्फ्लुएंस करेंगे नहीं करेंगे, वो स्टेज ऑलरेडी ट्रायल तक होती है, उसके बाद जब ट्रायल में कन्विक्शन या एक्विटल हो जाती है, अपील के दौरान किसी विटनेस पे दबाव डालने का कोई सवाल उठता ही नहीं, बिकॉज एविडेंस ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड होती है, ऑन रिकॉर्ड के ऊपर ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है। ठीक है मनन साहब, एक और बहुत अहम बात है, रविंद्र पाटिल के ही बयान को लेकर भी अमित देसाई ने कोर्ट के सामने कहा है कि रविंद्र पाटिल का जो बयान था वो दर्ज जरूर हुआ था लेकिन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि उसने जो बात रखी थी अपने पहले बयान में वो पूरी तरह से सही थी? क्या ये बात भी सलमान के फेवर में जा सकती है? देखिए, दो बयान हैं उसके, एक तो 161 सीआरपीसी में बिफोर दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, दूसरा बयान उसका 164 सीआरपीसी में बिफोर दी मैजिस्ट्रेट है। जब उन्होंने सेशंस कोर्ट में एग्जामिनेशन चीफ गवाही दे दी है तो वो दोनों बयान पिछड़ जाते हैं, तो उनका कोई मायना नहीं रहता है, तो उनका चीफ एग्जामिनेशन पढ़ा जा सकता था अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया होता। लेकिन अब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है इसलिए उनका एग्जामिनेशन चीफ भी नहीं पढ़ा जाएगा, तो पाटिल की गवाही अब इसमें केस में कोई मायना नहीं रखती। लेकिन मनन साहब, आप कह रहे हैं कि जो तमाम बातें इस वक्त सलमान के वकील की ओर से कोर्ट में रखी जा रही हैं, तमाम दलीलें जो रखी जा रही हैं उनमें काफी वजन है, सलमान के फेवर में ये बातें जा सकती हैं, ऐसा आपका कहना है, लेकिन ये तो वही दलीलें हैं जो कि सेशंस कोर्ट में भी रखी गई थी लेकिन फिर भी कन्विक्शन तो हुआ था। देखिए ऐसा है, अगर सेशन कोर्ट का फैसला मान लिया जाए, अपील की फिर जरूरत ही नहीं है। अपीलेट का मतलब ही यही होता है कि बड़ी अदालत बड़े दायरे में हर चीज को देखती है, उसका प्रोस्पेक्टिव बड़ा होता है, उसका न्यायालय का उस समय जो सोचने का तरीका होता है बड़ा होता है, और इसके बाद भी अगर सपोज 19-21 हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट है, तो रोज फैसले नीचे होते हैं, ऊपर रिवर्ट बैक हो जाते हैं, अपहेल्ड भी होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इन तर्कों को किस तरह से उनको वे करते हैं, उनका किस तरह से विश्लेषण करते हैं ये, और क्या इस पे लॉ लेट डाउन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने, वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है, जो अभी तक तर्क डिफेंस के आए हैं वो तर्क ज्यादा मजबूत लगते हैं,
बाजार विस्वत ये प्रोसिक्यूशन के ठीक है प्रोसिक्यूशन मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रवि कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि क्या हो रहा है वहां पर? तान्या तीन चार और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि रखे गए थे अमित देसाई की तरफ से और काफी स्ट्रांगली रखे गए थे, जिसमें एक तो ये था कि सभी गवाहों ने बयान दिया है, सभी गवाहों ने ये कहा कि उन्होंने सलमान को गाड़ी से उतरते हुए देखा लेकिन किसी ने भी उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नहीं देखा। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट उनकी तरफ से रखा गया। दूसरा पॉइंट उनकी तरफ से रखा गया कि हादसे की वजह गाड़ी का टायर फट जाना था, जिसे अदालत में ने अनदेखा कर दिया निचली अदालत ने, और टेक्निकल रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई थी उसमें यह बात थी कि हाँ गाड़ी का टायर फटा हुआ था। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने रखा वो ये रखा कि जो सभी गवाहों ने जितने भी गवाह चाहे उन्होंने पक्ष में गवाही दी या चाहे वो होस्टाइल हुए, सबने एक बात मानी है कि बाईं तरफ का दरवाजा लैंड क्रूजर का आगे की तरफ का वो फंसा हुआ था शटर के साथ में और खुल नहीं रहा था, और यही दलील थी बचाव पक्ष की कि इसीलिए सलमान को सबने दाईं तरफ से यानी ड्राइविंग सीट से उतरते हुए देखा था। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर एम्फेसाइज किया गया डिफेंस की तरफ से और जो काफी कन्विंसिंग हो सकते हैं, काफी मददगार हो सकते हैं सलमान खान के लिए, उनके पक्ष के लिए। बिल्कुल मनन साहब, ये जो बातें अब रवि कह रहे हैं कि ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि कोर्ट में रखे गए हैं सलमान के वकील की ओर से, इनमें कितना दम है? अगर ये बात है तो सलमान इनोसेंट है। अगर ये बात है कि टायर फट गया, मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, जो मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है एक्सीडेंट के केस में, गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई होगी, अगर टायर फटा मिला है तो गाड़ी एक्सीडेंट जो हुई है वो जो भी गाड़ी चला रहा था उसकी वजह से नहीं हुई है। एक तो यहां ये बात बन गई। दूसरा, अगर किसी गवाह ने उनको गाड़ी चलाते एक्सीडेंट के वक्त नहीं देखा है, गाड़ी से उतरते देखा है, गाड़ी में दूसरे आदमी भी हैं, तो एक ये लेमैन भी इसकी प्रजम्पशन कर सकते हैं कि प्रज्यूम कर सकते हो क्या सलमान गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे। ऐसी स्थिति में तो फिर मतलब यही हुआ कि सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे। चलिए, तो मनन साहब को लगता है कि डिफेंस की ओर से जो दलीलें पेश की गई हैं उनमें काफी दम है, लेकिन रवि इस वक्त प्रोसिक्यूशन की ओर से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं, क्या कोई खबर मिल रही है कि प्रोसिक्यूशन की ओर से क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में? जी, अभी तक यही पता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जो दलीलें उन्होंने जजमेंट में जो दलीलें दी गई थी, जिन दलीलों के आधार पर जजमेंट सुनाया गया था, और रवि आपको बीच में रोकूंगी, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जज ने सलमान के वकील से पूछा है, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, पूछा है कि आप कोर्ट को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, सलमान के वकील से ये पूछा है और सरकारी वकील से पूछा है कि सजा सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है। ये दो बड़ी बातें इस वक्त निकल कर आ रही है जज की ओर से, ये दो बातें पूछी गई हैं। मनन साहब, क्या मतलब निकाला जाए इन दो बातों का? इंक्लाइंड है जज फिर बेल देने को? ऋषि, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जज साहब फिर इसका मतलब अगर जी कह रही हैं कि सस्पेंड करने में आपको क्या परेशानी है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर जज साहब ये पूछ रहे हैं प्रोसिक्यूशन से कि बेल उसकी सेंटेंस सस्पेंड करने में आपको क्या दिक्कत है, क्या ऑब्जेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्शन वाजिब नहीं है, सस्टेन नहीं करता है, तो बेल मिल जाएगी। लेकिन साथ में ये भी सलमान के वकील से पूछ लिया कि आप कोर्ट को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? वो तो एविडेंस होगी वहां पे, गुमराह कैसे कर सकते हैं? कोई रिस्पॉन्सिबल लॉयर, सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर विल नॉट डू लाइक दिस, नेवर। ऋषि बोलिए। ये देखिए, जहां पे ट्रायल कोर्ट को एक फिक्स सेंटेंस अवार्ड करता है, जैसे इस केस में 5 साल फिक्स सेंटेंस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज हैं जो ये कहती हैं कि जब अपील फाइल होती है, वो अपील जो होती है वो आने वाले सालों में सुनने की कोई गुंजाइश नहीं होती, 10-10 साल की पेंडेंसी है अपीलों में, चाहे वो बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों ना हो। ऐसे किसी में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा गया है कि ऐसे किसी में जब फिक्स सेंटेंस अवार्ड होती है वहां पे सेंटेंस को सस्पेंड करना अनिवार्य है, बिकॉज अदरवाइज तो आदमी पूरी अपील के दौरान ही अपनी सेंटेंस पूरी अंडरगॉन कर लेगा। तो ऐसे केसेस में तभी जज ने सरकारी वकील से पूछा है कि सेंटेंस सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है। रविंदर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अदालत में हम रोज देखते हैं 90% केसों में जज जो है 3 साल की सजा होती है तब भी जमानत नहीं देता। मेरे बहुत सारे वकील इसी बात में जेल में हैं। तो अगर मैं मान लूं कि ये कानून की नई परिभाषा गठित की जा रही है कि क्या परेशानी है, तो परेशानी तो पीपी को कोई नहीं है, अदालत को भी कोई नहीं है, सलमान खान भार रहे, सारे अभियुक्त भार रहे, किसी को क्या परेशानी हो सकती है व्यक्तिगत? तो ये तो कानून की बात है, एक ज्यूरिसप्रूडेंस की बात है, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं बना,
क्रिमिनल लॉ का मतलब है कि आप जब क्राइम करते हैं तो सोसाइटी के खिलाफ करते हैं। फिर तो लोग कहेंगे आशाराम को जेल में रखने में क्या परेशानी है, आशाराम को छोड़ दो बाहर, उसके इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बापू के लिए हम जान दे देंगे, 4,000 लोग, 10,000 लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग तैयार है, तो उसको भी जमानत दे दो, ट्रायल होता रहेगा, छोड़ देंगे। तो अगर इस ज्यूरिसप्रूडेंस को मानेंगे तो सारे अभियुक्तों को जो अंडर ट्रायल है उन सबको जमानत मिलनी चाहिए, और इसकी नजीर को मानते हुए हर आदमी को बाहर होना चाहिए। रवि, इस वक्त प्रोसिक्यूशन की ओर से और क्या कुछ कहा जा रहा है, कोर्ट के अंदर क्या जानकारी मिल रही है? मेरे सहयोगी आशीष अभी भीतर से वापस आए हैं, ये मुझे बताएंगे कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। आशीष, प्रोसिक्यूशन से क्या कुछ पूछा जा रहा है, प्रोसिक्यूशन क्या कुछ दलीलें रख रहा है? देखिए, अभियोजन पक्ष की जो दलीलें हैं वो शुरू हो गई हैं। अभियोजन पक्ष ने सबसे पहले सलमान खान ने जो मांग की थी कि उनकी सजा को स्थगित किया जाए, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो बात उनकी तरफ से उठाई गई थी, उसका विरोध किया है। प्रोसिक्यूशन ने यह कहा है कि जो सरकमस्टांसेस हैं, भले ही किसी गवाह ने उन्हें उतरते हुए उन्हें ड्राइविंग सीट पे ना देखा हो, लेकिन वो ड्राइव मतलब उसी आगे की सीट से वो उतरे थे। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने ये कहा, टेक्निकल पॉइंट उठाया और ये कहा कि जिस तरह से बिना जजमेंट की कॉपी के उनकी अपील को कोर्ट ने सुना वो सही नहीं था। तो अभियोजन पक्ष की जो दलील है वो लगातार अभी हाई कोर्ट में जारी है, लेकिन ये करीब करीब वही है जो इन्होंने सेशंस में रखी थी अपनी बातें, या फिर जो जजमेंट है उसके अंदर बातें हैं। हाँ, जाहिर तौर पे जो बातें उन्होंने सेशन कोर्ट में कही थी वही थोड़ी बहुत इधर उधर करके वो वही बातें दोहरा रहे हैं इसी अदालत में। उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने जो बातें सेशन कोर्ट में कही थी, चाहे कि वो गाड़ी से उतरते हुए भले सलमान को किसी ने ना देखा हो, लेकिन वो ड्राइविंग सीट से उतरे थे, और इन तमाम जो सलमान के जो भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी सलमान खान की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, उसको प्रोसिक्यूशन उसका कार्ड ढूंढ रहा है। बहरहाल, मामले की सुनवाई अभी भी मुंबई की इसी अदालत में जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या सलमान खान को आज राहत मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आज सलमान खान के पास केवल 5 बजे तक का वक्त है। आशीष से ये पूछिए कि जज ने सरकारी वकील से ये पूछा है, और अभी अभी तान्या अभी एक खबर आई है, क्या दिक्कत है, क्या ये पूछा गया है? और इसके अलावा क्या ये भी पूछा गया है सलमान के वकील से कि आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जी तान्या, ये सब बातें हुई हैं, लेकिन अभी अभी मेरे पास एक और अंदर से खबर आई है जिसके मुताबिक पीपी तीन आदमियों की जो थ्योरी थी प्रोसिक्यूशन की कि आदमी तीन ही थे गाड़ी के अंदर, सलमान खान थे, उसके अलावा कमाल खान थे, और उनके जो पीएसओ थे रविंद्र पाटिल, सिर्फ तीन लोग थे, यही वो थ्योरी है जिसके तहत सलमान खान को सजा सुनाई गई है। लेकिन जो डिफेंस था उसकी थ्योरी थी 4 आदमियों की, कि उन 3 आदमियों के साथ साथ एक ड्राइवर भी था, और ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया था। वारदात के बाद वो घबराकर मौके से चला गया था, और लोगों ने गलत समझा कि सलमान खान ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि सलमान खान मौका वारदात पर काफी देर तक, करीब 25 मिनट तक मौजूद थे। अब इस थ्योरी के ठीक उल्टी थ्योरी जो प्रोसिक्यूशन की है कि सलमान खान मौके से भाग गए थे, अगर उन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया था तो फिर उन्हें भागने की क्या जरूरत थी, उन्होंने क्यों नहीं ड्राइवर को वहीं पर गिरफ्तार करवाया या फिर उसको निकाला और लोगों को समझाया कि मेरे ड्राइवर से ये सब कुछ हुआ है, आप घबराइए मत, उनको अस्पताल लेकर नहीं गए। लेकिन अगर डिफेंस की थ्योरी भी यहाँ पर है कि गाड़ी का टायर फट गया था, वो गाड़ी चलने के लायक नहीं थी और काफी देर तक वो वहां पर रुके थे, और जब लोगों को रेस्क्यू कराकर अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ तब वो वहां से गए थे, तो अब जज साहब को फैसला करना है। लेकिन जो बहस है प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो करीब करीब वही है जो कि जजमेंट में लिखा गया है, जो कि जजमेंट में प्रूफ माना गया है सेशंस कोर्ट में। बिल्कुल, और जैसा कि उम्मीद थी, सरकारी वकील की ओर से जमानत का विरोध कर दिया गया है, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। रवि भी बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की ओर से अपनी दलीलें इस वक्त पेश की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कार में 3 लोग ही सवार थे, सलमान के वकील ने कहा था कि कार में 4 लोग सवार थे। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की ओर से कहा गया है कि जो ड्राइवर सामने आकर क्लेम कर रहा था कि गाड़ी वो चला रहा था, दरअसल वो दिन में गाड़ी चलाता था, इनके लिए दिन की ड्यूटी करता था, वो उस वक्त वहां पर नहीं हो सकता, इस तरह की तमाम बातें प्रोसिक्यूशन की ओर से कही जा रही है। रवि कुछ और कह रहे हैं, रवि बताइए। जी तान्या, अंदर इस तरह की बात भी हुई है, जज ने पूछा है कि मैं समझता हूं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस शुड बी डन अंटिल यू कैन डील विद द अपील एक्सपेडिशियसली, एंड व्हाई शुड हिज, यानी सलमान का राइट सफर व्हेन हिज अपील इज बीइंग हर्ड। तो ये बात भी अंदर चल रही है, अभी देखना होगा कि किस तरफ रुक जाता है इन बातों का, और जज इस पर क्या फैसला लेते हैं। करीब करीब डिफेंस माफ कीजिएगा, प्रोसिक्यूशन की जो दलीलें थी वो करीब करीब खत्म हो चुकी हैं, और अब जो दलील का सिलसिला था, जो बहस का सिलसिला था, वो करीब करीब जज और वकीलों की बातचीत में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल मनन साहब, जो बातें रवि बता रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि सलमान खान को इस आधार पर बेल मिल जाए कि हाईकोर्ट में जब ये मामला सुना जाएगा तब तक के लिए उनके पास ये राहत हो, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, मैं आपको शुरू से ये बात बता रहा हूं कि
यूजली, क्योंकि 5 साल की सजा है, ये अपने अपने हर हाई कोर्ट का अपना व्यू होता है। लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का ये व्यू है कि टिल द पेंडिंग ऑफ दिस अपील उनकी सेंटेंस जो सस्पेंड कर दी जाए, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है सस्पेंड हो जाएगी इस केस में। ऋषि, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैंने पहले ही बताया कि अगर फिक्स टर्म ऑफ सेंटेंस है और अपील सुनने में काफी टाइम लगता है हर हाई कोर्ट में, और ऐसे केस में जब बेल में पहले भी रह चुके हैं और उसको मिसयूज नहीं किया गया पहले भी, तो मेरे हिसाब से हाई कोर्ट में बेल होना संभावित है और पॉसिबल भी है। बिल्कुल। और सरकारी वकील की ओर से एक और बात कोर्ट में अभी रखी गई है कि गाड़ी में 3 लोग थे, 4 लोग नहीं थे, जैसा कि सलमान कह रहे थे, यानी कि उनका कहना होगा कि अशोक सिंह नहीं थे गाड़ी में, यही सरकारी वकील की दलील होगी शायद। ऋषि, देखिए, अगर तीन लोग भी थे जिसमें एक सलमान खान थे, एक वो विटनेस था जिसका क्रॉस एग्जामिन नहीं हो पाया, तीसरा विटनेस जो कमाल खान थे उनको प्रोसिक्यूशन एग्जामिन ही नहीं किया, तो ऐसे केस में अगर सरकारी तथ्य लेके चले तो ये केस क्लीन और क्लीन एक्विटो का केस है और किसी का केस नहीं। बिकॉज अगर कमाल खान गाड़ी में थे इवन एज पर प्रोसिक्यूशन, तो उनको एग्जामिन क्यों नहीं किया गया, ये कुछ समझ के बाहर है। स्पेशली इवन जो तीसरा विटनेस था उसको क्रॉस करने का मौका नहीं मिल पाया बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो प्रोसिक्यूशन कहने की काफी कमी से ये केस चलता रहा है। नो डाउट ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन बेशक हुई है, लेकिन एपलेट कोर्ट बैठी इसलिए होती है कि कोई एरर हो जजमेंट में तो उसको ठीक करने के लिए। जी रवि, हमें एक एक करके बताइए कि प्रोसिक्यूशन की ओर से यानी कि सरकारी वकील की ओर से क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए, प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया है, रवि आपको रोकूंगी इस वक्त, जज ने क्या कहा है वो बात सामने आ रही है, अपील सुनी जा रही है तो जेल क्यों भेजा जाए, ये जज की ओर से एक बात कोर्ट रूम में कही गई है। रवि जी, जाहिर तौर पर मैंने आपको भी यही जानकारी दी थी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोसिक्यूशन की जो दलीलें हैं वो इस तरह से हैं कि शराब पीने के बाद ड्राइवर सलमान खान ही थे, वही चला रहे थे गाड़ी और बेकाबू होकर उनकी गाड़ी नशे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई और 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, अपाहिज हो गए हमेशा के लिए। दूसरा कि वो मौके से भाग गए थे, अगर उन्होंने इस जुर्म को अंजाम नहीं दिया होता तो वो मौके पर ही होते। तीसरा, उन्होंने इस थ्योरी को झुठलाया है कि टायर फटा था, उनके मुताबिक हवा सिर्फ टायर में हवा कम थी और उससे हादसा नहीं हुआ। तो इस तरह की तमाम बातें हुई हैं। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन के पास इस बात का जवाब नहीं था कि जब गाड़ी के अंदर 3 लोग मौजूद थे, अगर प्रोसिक्यूशन की थ्योरी पर ही यकीन किया जाए तो फिर कमाल खान को गवाह क्यों नहीं बनाया गया। इसके अलावा बात यह भी उठी कि जब 5 गवाह इसमें और बन सकते थे इंक्लूडिंग कमाल खान, तो उनको गवाह क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वो चश्मदीद थे, मौके पर मौजूद थे, फिर भी उनको प्रोसिक्यूशन ने अपनी थ्योरी में शामिल नहीं किया, उनको गवाह नहीं बनाया, प्रोसिक्यूशन के वो विटनेस नहीं रहे। इसके अलावा बातें ये भी हुई हैं अंदर कि आखिर क्यों कि दरवाजा जब दूसरी तरफ का स्टक था, तो ये बात तो साबित होगी क्योंकि प्रोसिक्यूशन के ही वकीलों ने गवाहों ने ये बात रखी है कि दूसरी तरफ का दरवाजा स्ट्रक था। ये बात ये भी हुई है कि प्रोसिक्यूशन के ही 27 में से 2 गवाहों ने ये बात कही है कि वो घटना के आसपास। रवि, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, मनन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन साहब, प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलें पेश कर रहा है और उस बीच जज ने ये कहा है, ऐसी खबर मिल रही है कि जब अपील सुनी जा रही है तो फिर जेल क्यों भेजा जाए, जो दलीलें सलमान के वकील की ओर से पेश की गई हैं उसके बाद जज ने ये कहा है, यानी कि जैसा कि मैं आपसे पहले पूछ रही थी कि हो सकता है कि जब इस मामले को हायर कोर्ट में सुना जाए तब तक के लिए उन्हें राहत मिल सकती है। मैं तो आपको पहले से ही बता रहा हूं ये बात, क्योंकि जज साहब का ये पूछना पहले प्रोसिक्यूशन को, लॉयर को, कि भाई उसको टिल पेंडिंग दिस अपील क्यों ना उसको बेल दे दी जाए, आपको क्या एतराज है, तो ये सारी चीजों का रुख जो है जज साहब की इंक्लिनेशन है कि इनको बेल, इसकी सेंटेंस सस्पेंड कर दी जाए टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ दी अपील, और ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई इतनी ह्यू एंड क्राई वाली बात भी नहीं है। और ये जो इधर की बात या उधर की बात करते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रीडम का राइट भी है अगले का, जब तक फाइनली डिसीजन नहीं होता उसके खिलाफ तो उसको जेल में क्यों रखा जाए। अब 10 साल में अगर नहीं सुनी जाती, 5 साल की सजा है, और कल को ये हो जाए कि जो एक्सीडेंट का केस है 304 Part 2 का नहीं था और एक्सीडेंट इससे नहीं हुआ है, तो मैन विल बी फाउंड इनोसेंट, तो इसलिए उनकी बेल के चांसेस अब ज्यादा बन रहे हैं। तो अभी चंद मिनटों का आप इंतजार करिए।
रवि अब ये बताइए कि कितनी देर में फैसला निकलकर सामने आ सकता है। मरन साहब कह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों का आप इंतजार कीजिए, क्या कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा कि सलमान खान को बेल मिलेगी या जेल जाना होगा? कि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसके अंदर, जो दोनों पक्ष थे अपना अपना अपनी अपनी बहस कर चुके हैं, अपनी अपनी आर्गुमेंट खत्म कर चुके हैं और अब बातचीत जैसा एक माहौल कोर्ट के अंदर है इस वक्त। हालांकि कोर्ट खचाखच भरी हुई है और ये बात जज साहब पर डिपेंड करती है कि क्या वो अभी अपना फैसला सुना देते हैं या फिर उसको लंच के बाद के लिए रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन ये तय है कि अब जो भी कुछ होना है जज साहब के मुंह से ही होना है, उनको ही कह देना है और बस इसी के बाद में ये साफ हो जाएगा कि सलमान खान को जेल जाना है या फिर जब तक ट्रायल चलेगा वो बाहर रहेंगे और बाहर रहकर ही कानूनी लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। मनन साहब ये बताइए कि ये तो सलमान खान के परिवार ने, खुद सलमान खान ने और उनके वकीलों ने फैसला लिया ही था कि सेशंस कोर्ट का जो कन्विक्शन हुआ है, जो सजा का ऐलान हुआ है, उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट जाएंगे। यानी कि अगर उन्हें आज बेल मिल जाती है तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। जब तक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं होती है तब तक काफी बड़ी राहत हो जाएगी वो सलमान के लिए। नेचुरली चूंकि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा और सपोज कल को उनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है, बरी हो जाते हैं, तो एक इसको राहत ही नहीं कहेंगे, एक सुकून होगा, एक ब्लॉट जो उनपे लगा है वो धोया जाएगा। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें इस स्टेज पे हमें नहीं अपना टिप्पणी करनी चाहिए, चूंकि अब फैसला अदालत ने लेना है। हम कोई अदालत तो है नहीं, जज तो है नहीं, हम भी अपना वकील की तरह एक ओपिनियन ही दे सकते हैं ना इस स्टेज पे तो। लेकिन ये बात आपकी सही है कि एक बहुत बड़ी राहत होगी, एक सुकून मिलेगा उनको कि यस, अगर वो कल को उनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है, माने जाते हैं कि वो निर्दोष है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। मनन साहब, आज जब सलमान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे होंगे तो क्या कुल मिलाकर जो तमाम दलीलें पेश की उनका कुल मिलाकर सार यही है कि उनकी रणनीति थी कि 304 पार्ट 2 ये जो धारा है ये बताने की कोर्ट में अपनी ओर से कोशिश की जाए कि ये इस मामले पर एप्लीकेबल नहीं है? क्या तमाम दलीलें उसी का एक नतीजा थी इस प्लानिंग का? मैंने साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं आपकी जगह रवि कुछ कह रहे हैं। रवि क्या हो रहा है वहां पर? देखिए अंदर अभी अभी खबर आई अंदर से कि जज साहब कह रहे हैं कि मैं सजा सस्पेंड करूंगा लेकिन सलमान को सरेंडर करना होगा। हालांकि अभी भी बहस चल ही रही है। जज साहब का ये कहना एक और पॉजिटिव नोट कहा जा सकता है इसको बचाव पक्ष के लिए। बिल्कुल, एक बड़ी खबर। रवि क्या मतलब है इस बात का? देखिए इससे ऐसा लगता है कि जज साहब मन बना रहे हैं अपना, लेकिन इससे ज्यादा कहना अभी हमारे लिए जल्दबाजी होगी। जज साहब अपने मुंह से ही कहेंगे वही। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा है कि सलमान को ऐसा लगता है कि सलमान को सरेंडर करना होगा, ये भी इसमें कहा गया है, इसका क्या मतलब होता है? जी जी जी, इसका मतलब यह है कि वो रेगुलर बेल देने की मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं। मनन साहब ज्यादा बेहतर बता पाए। मनन साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो लाइन रवि ने बताई है कि जज की ओर से कही गई है कि मैं सजा को सस्पेंड करूंगा लेकिन सलमान को सरेंडर करना होगा, क्या मतलब हो सकता है इसका? यस यस, इसका मतलब ये है कि जाके सरेंडर करें और बेल बॉन्ड भरें वहां पे ट्रायल कोर्ट में, जिस कोर्ट ने सजा दी है उनके समक्ष पेश हो, सरेंडर करें और जाके जो भी यहां से कंडीशन लगाई है बेल ऑर्डर पास करते हुए उनको पूरा करें जाके अदालत में। ये है बिल्कुल, यानी कि ऐसा हो सकता है कि सरेंडर तो करना ही होगा ना जी, बेल तो देनी होगी। अगर सलमान सरेंडर करे तो सजा सस्पेंड हो सकती है, ये जज की ओर से कहा गया है। ऋषि आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जो सरेंडर जो वर्ड यहाँ यूज हो रहा है एक वो प्रोसीजरली फॉर्मेलिटी है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप अगर बेल ऑर्डर लेने के बाद कोर्ट के अंदर एक फॉर्मली सरेंडर करेंगे जिसके अंदर वो बेल बॉन्ड भर के आपको रिलीज कर देंगे। बिकॉज हाई कोर्ट के अंदर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। बेल जो होती है वो निचली कोर्ट इन पर्सन जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में जाके सरेंडर करके आप बेल लेके आ जाइए। बिकॉज बेल बॉन्ड फर्निश करने पड़ते हैं, श्योरिटीज फर्निश करनी पड़ती है। तो अगर जज ने ऐसा माइंड बना लिया है कि आप सरेंडर करके आप बेल लीजिए, दैट मीन्स इन ऑल प्रोबेबिलिटी उनकी सेंटेंस जो है सस्पेंड हो जाएगा। बिल्कुल, इन ऑल प्रोबेबिलिटी सलमान की सेंटेंस सस्पेंड हो सकती है, जज की बात से फिलहाल ऐसा लग रहा है। लेकिन रवि बेहतर बता पाएंगे। रवि क्या इसका मतलब, जैसा कि हमारे तमाम वकील हमें समझा रहे हैं, वो ये है कि हाईकोर्ट की ओर से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होगा, उसके बाद सलमान खान को सरेंडर करना होगा, सरेंडर करके बॉन्ड भर के उनको जमानत मिलेगी, यही मतलब हुआ इसका?
जी हाँ, इसका तान्या मतलब यही कुछ निकलेगा कि उन्हें दो दिन की जो इंटेरियम बेल थी उससे वो पूरी होगी आज उसकी मियाद, जब 5 बजे उनको दी गई थी उसी समय वो आकर सरेंडर करेंगे और फिर से फ्रेश बेल बॉन्ड भरा जाएगा जो कि परमानेंट होगा। लेकिन अभी तक मैं कह रहा हूं कि ये खबर नहीं है, अभी तक ये जानकारी छन-छन करा रही है। खबर ये पुख्ता तौर पर तब होगी जब अदालत इसकी घोषणा करेगी, जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तान्या, तभी इसे खबर माना जाएगा। अभी तक ये कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं वो अब साहब तक पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल मनन साहब, यानी कि अगर ऐसा होता है कि सलमान के लिए कोर्ट ये कह देता है कि आप सरेंडर करिए, आप बॉन्ड भरिए और जमानत लीजिए, तो ये क्या बहुत बड़ी राहत होगी सलमान खान के लिए इस केस में? इसका एक फॉर्मेलिटी है कि जाके सरेंडर करेंगे और जो कंडीशंस इम्पोज करी है उनको, उन पर अपीलेट कोर्ट ने, उनको जाकर बेल बॉन्ड में फुलफिल करेंगे और बेल बॉन्ड देंगे वहां पे जाके, और एक ये फॉर्मेलिटी है और सरेंडर तो उनको करना ही है ना। वो बेल तो उनका जो बेल बॉन्ड है वो एक्सेप्ट ट्रायल कोर्ट में होगा जिस अदालत से उनको सजा हुई है। बिल्कुल, यानी कि सेशंस कोर्ट में उन्हें सरेंडर करना होगा और वहां से बेल बॉन्ड भर के और जो तमाम फाइन प्रिंट है वो पूरी बातें करके और वहां से उनको जमानत मिलेगी। ये बात अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि जज की ओर से ये कहा गया है कि अगर सलमान सरेंडर करते हैं तो फिर सजा सस्पेंड हो सकती है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है। रवि, कितनी देर में अब फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की ओर से? तान्या, ये बात कोर्ट पर ही निर्भर करती है, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं और इंतजार ही कर सकते हैं। बहस पूरी हो चुकी है और इस वक्त बचाव पक्ष के साथ साथ अभियोजन पक्ष दोनों के वकील मौजूद हैं वहीं पर अदालत में, जज साहब भी अदालत में मौजूद हैं और मेरे ख्याल में वो इस वक्त कुछ केस की फाइल को शायद स्टडी कर रहे हैं और उसी के बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर अपना फैसला देंगे, उसी का हम इंतजार यहां पर कर रहे हैं। बिल्कुल मनन साहब, कुल मिलाकर जो बातें अभी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अभी जजमेंट नहीं आया है बॉम्बे हाईकोर्ट की इस बेंच का, इस जज का, लेकिन जो बातें किसी भी पल तान्या, किसी भी पल जजमेंट आ सकता है, किसी भी पल जजमेंट आ सकता है तान्या। बिल्कुल, किसी भी पल सलमान खान के केस में जजमेंट आ सकता है बॉम्बे हाईकोर्ट का, लेकिन मनन साहब अब तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि सलमान के वकीलों की ओर से जो दलीलें पेश की गई उन दलीलों में दम था। सलमान